हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे हैरम पैंट, जिसके लिए हमने फैब्रिक लिया है 2.5 मीटर। बहुत ही इजी मेथड दिखाएंगे इसे बनाने का, तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। इसकी चौड़ाई दिखा देती हूँ मैं आपको। तो चौड़ाई हमने ली है 26 इंचज़ की। चलिए अब इस पर मार्किंग शुरू करते हैं। चलिए अब लेंथ देख लेते हैं। तो देखिए, लेंथ मैं लूँगी यहाँ पर 35 इंचज़ की। ये स्विंग अलार्म्स मिला के हैं, तो यहाँ पे मैंने 35 इंचज़ पे ये मार्क कर दिया, इतनी होगी मेरी लेंथ। अब देखिए, जहाँ पे मेरा लेंथ है वहाँ पे मूढ़ी का पार्ट आएगा, वो मैं ले रही हूँ 12 इंचज़ का। यहाँ पे मूढ़ी का पार्ट मैंने लिया है 12 इंचज़ की चौड़ाई का। अब ऊपर से हम मार्क करेंगे क्रॉच एरिया। ऊपर से मैं ले रही हूँ 13 इंचज़ का क्रॉच एरिया, तो इस पर 13 पे मार्क कर दिया। चौड़ाई इसकी लेंगे अब हम, यहाँ से चौड़ाई लूँगी 2 इंचज़ की। ऊपर भी चौड़ाई हम लेंगे 2 इंचज़ की। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे देंगे गोलाई, तो इस तरीके से यहाँ पे गोलाई दे दीजिए। ये बन गया हमारा क्रॉच एरिया। अब देखिए, ये क्रॉच एरिया जो है वहाँ से हम क्रॉस में, ये हमारी जो मोड़ी है वहाँ तक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके की हमारी मार्किंग बन गई है। चलिए अब इसे हम कट कर लेते हैं। ये देखिए, हमने इसे कट कर लिया है। चलिए इसे ओपन करते हैं। तो इस तरीके के 2 पार्ट बन के आए हैं हमारे पास, फ्रंट का और बैक के लिए। देखिए 2 पार्ट है। अब हम बेल्ट बनाएंगे, तो उसके लिए देखिए, इसकी चौड़ाई मैंने ली है स्विंग अलाउंस मिला के 21 इंचज़ की, और लेंथ मैंने ली है 5 इंचज़ की। इस तरीके से हमारा बेल्ट बनेगा। तो चलिए बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले हम क्रॉच एरिया को ज्वाइन करेंगे। तो देखिए, एक नीचे वाला है वो राइट पार्ट है, जिसके ऊपर हमने दूसरा उल्टा रखा है। अब हम पूरे क्रॉच एरिया में उसी शेप में सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से दूसरे क्रॉच एरिया में भी सिलाई लगा दीजिए। ये देखिए, दोनों क्रॉच एरिया में हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसे इस तरीके से टर्न करेंगे, तो हमारे 2 पार्ट बनेंगे लेग के। अब देखिए, हम क्या करेंगे, मिडल का जो पार्ट है, दोनों मिडल की सिलाई को अच्छे से मिलाइए और पूरी लेंथ में सिलाई लगा दीजिए। इसी तरीके से इस साइड पे भी पूरी लेंथ तक सिलाई लगा दीजिए। ये देखिए, अब हमने सिलाई लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेट्स लेंगे। तो इस तरीके से प्लेट्स लेते जाइए और हम पिन से सिक्योर कर लेंगे। इसी तरीके से हम पूरे में प्लेट्स लेने वाले हैं। तो देखिए, एक और प्लेट्स लेंगे हम। सारी प्लेट्स हम एक ही तरफ की ले रहे हैं, तो इस तरीके से प्लेट्स ले लीजिए। अब इस तरफ होगा वो हम सामने के प्लेट्स लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे भी प्लेट्स ले लीजिए और पिन से सिक्योर कर लीजिए। इस तरीके से हम पूरे में प्लेट्स लेते जाएंगे और पिन से सिक्योर कर लेंगे। हमारी प्लेट्स आमने सामने की बनेगी। इस तरीके से प्लेट्स बनाने के बाद हम पूरे में सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, हमने प्लेट्स लेके इसमें सिलाई लगा दी है, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में। अब इसको साथ हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो देखिए, जो हमने ऑलरेडी बेल्ट कट किया था उस पर हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है पूरी लेंथ में। अब हम इसे राइट साइड पे टर्न करेंगे। तो देखिए, ये राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर बेल्ट हम उल्टा रखेंगे। सिलाई से सिलाई मिलाकर पूरे राउंड में आप सिलाई लगा दीजिए। इस तरीके से पूरे राउंड में आपको सिलाई लगा देनी है और बेल्ट अटैच हो जाएगा हमारा। ये देखिए, बेल्ट अटैच हो गया है हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पहले सिंगल फोल्ड और फिर एक और बड़ा सा फोल्ड करके बेल्ट बना देंगे। तो इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए पूरे में। बस थोड़ा सा पार्ट आप छोड़ दीजिएगा इतना, ताकि वहाँ से हम इलास्टिक पास कर सके। बाकी पूरे पार्ट में इसी तरीके से सिलाई लगा के बेल्ट बना दीजिए। देखिए, बेल्ट बन गया है हमारा। अब हमने जो गैप रखा था, ये रहा, वहाँ से हम इस पिन की मदद से इलास्टिक को पास करेंगे। इस तरीके से अंदर डालते जाइए और दूसरे सिरे से हम इसे बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, दूसरे सिरे से हमने इसे निकाल दिया है। अब हम दोनों सिरों को इलास्टिक के मिला के यहाँ पर अच्छे से लॉक करके सिलाई लगा दीजिए, और उसके बाद इसको अंदर पास करके हम इस जो ओपन पार्ट है उसमें सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, हमने इलास्टिक डाल दिया है। अब उसी सेम मेथड से हम क्या करेंगे, नीचे की मूढ़ी बनाएंगे। तो उसके लिए हम इसी तरीके से फोल्ड करेंगे, एक छोटा फोल्ड और एक फिर बड़े फोल्ड करेंगे।
थोड़ा सा पार्ट छोड़ देंगे, उसमें से इलास्टिक पास करके फिर उसको सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे हम जो इलास्टिक यूज़ करेंगे वो छोटी साइज़ का होगा, आपको ये साइज़ का इलास्टिक यूज़ करना है। तो चलिए इस मेथड से ही दोनों मोड़ी बना देते हैं अपनी। ये देखिए नीचे की मोड़ी भी हमने बना ली है और इसी के साथ तैयार हो गया है हमारा हेरम पैंट। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।